This is tenses, lesson number 9. इस लेसन में हम सीखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड पास्ट सिंपल टेंस. प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसकी पहचान है ता है, ती है, ते है वगैरह, यानी जिन उर्दू फिक्रों के लास्ट में ये अल्फाज आ जाएं, वो फिक्रे प्रेजेंट सिंपल टेंस के होंगे. और प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज़ किया जाता है ऐसे एक्शंस, ऐसे कामों के लिए जो करना हमारी आदत हो और जो रिपीटेड एक्शंस हो, यानी जिनको हम रिपीटेडली हर रोज़ हमेशा या अक्सर करते रहते हैं, या जो करना हमारी ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, या पसंद और नापसंद के बारे में बात करने के लिए. और इसका फार्मूला कुछ यूँ है, बॉस प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस टारगेट. बॉस के बाद डायरेक्ट हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन फर्स्ट फॉर्म के साथ कहीं पर एस ऐड किया जाता है और कहीं पर नहीं किया जाता. अगर तो इसमें जो एक्शन करने वाला है यानी बॉस अगर वाहिद हो, सो हम उसके जो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ एस ऐड कर देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, गवाला दूध लाता है. इस फिक्रे के लास्ट में आ रहा है ता है, और यानी इसमें जो एक्शन बयान किया जा रहा है ये करना करने वाले की ड्यूटी है. गवाला दूध लाता है, यानी वो ये काम डेली करता है, ये उसका रिपीटेड एक्शन है. सो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का फिक्रा होगा. मिल्कमैन ब्रिंग्स मिल्क, क्योंकि इसमें बॉस जो है वो वाहिद है, सो हम उसकी जो फर्स्ट फॉर्म है एक्शन की ब्रिंग, उसको ब्रिंग्स में चेंज कर देंगे. मिल्कमैन ब्रिंग्स मिल्क. एंड आई लाइक एप्पल्स, मुझे सेब पसंद हैं, यानी हम अपनी या किसी की पसंद के बारे में जब बात करेंगे तो हम बॉस के फौरन बाद फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे. हम यूँ नहीं बोलेंगे लाइक्ड और लाइकिंग, बल्कि लाइक, आई लाइक एप्पल्स एंड शी लाइक्स एप्पल्स. यानी अपने अलावा जब किसी दूसरे वाहिद सब्जेक्ट की या वाहिद बॉस की बात करते हैं, सो हम उसके एक्शन के साथ एस ऐड कर देते हैं. एंड अली रिसाइट्स कुरान डेली, अली हर रोज़ कुरान पढ़ता है, यानी इसका रिपीटेड एक्शन है. सो इसमें बॉस है अली और रिसाइट उसका एक्शन है, सो हम रिसाइट्स में इसको चेंज कर देंगे. अली रिसाइट्स कुरान डेली. एंड किड्स वॉच कार्टून्स, बच्चे कार्टून देखते हैं. अब इसमें जो बॉस है वो वाहिद नहीं है बल्कि ज़्यादा है, किड्स बच्चे. सो हम यहाँ पर जो एक्शन है देखना, वॉच, उसके साथ एस नहीं ऐड करेंगे बल्कि उसको वॉच ही रहने देंगे. किड्स वॉच कार्टून्स. और उसके बाद पास सिंपल टेंस जिसकी पहचान है था, थी, थे, या इसकी एक दूसरी पहचान भी है कि फिक्रों के लास्ट में आ जाता है अलिफ छोटी या ये बड़ी या. और इसका फार्मूला है बॉस प्लस सेकंड फॉर्म प्लस टारगेट. यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास सिंपल टेंस में हम बॉस के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते, यानी हम इस आर एम वॉज फॉर हैज हैव नहीं यूज़ करते बल्कि डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म लगा देते हैं. जैसे हम मार्केट गए थे, यानी इसमें हम वो एक्शन बताते हैं जो हमने किया था. हमने गुजरे हुए वक्त में एक दफ़ा वो एक्शन किया हो. गुजरे हुए वक्त में यानी 5 मिनट पहले, 1 घंटा पहले, 1 दिन, 1 रात या 1 साल पहले. यानी ज़्यादातर इसको यूज़ किया जाता है माजी करीब के लिए, यानी माजी करीब में हमने जो एक्शन किया हो वो पास सिंपल टेंस का एक्शन कहलाएगा. और उसमें हम बॉस के साथ सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, और सेकंड फॉर्म सिर्फ पास सिंपल टेंस में यूज़ की जाती है और किसी भी टेंस में यूज़ नहीं की जाती. जैसे वी वेंट मार्केट, हम मार्केट गए थे, इसमें वी के साथ सेकंड फॉर्म लगा दी गई है. अगर इसके साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती जैसे वी गो मार्केट, हम मार्केट जाते हैं, तो इसका मतलब होता कि ये हमारा रिपीटेड एक्शन है, हम डेली रहते हैं या अक्सर जाते हैं. लेकिन अगर वी वेंट मार्केट आ गया तो इसका मतलब है कि हम मार्केट गए थे. इसी तरह से ही वर्क्स इन अ कंपनी, ये प्रेजेंट सिंपल का फिक्रा है क्योंकि इसमें वर्क फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आ गया है. ही वर्क्स, वो काम करता है, यानी ये इसकी ड्यूटी है. ही वर्क्स इन अ कंपनी. एंड ही वर्कड इन अ कंपनी, वो एक कंपनी में काम करता था. एंड शी कुक्स फूड डेली, वो रोज़ाना खाना बनाती है. प्रेजेंट एंड शी कुक्ड फूड डेली, वो रोज़ खाना बनाती थी, पास्ट सिंपल. एंड आई स्लीप एट 11 PM, मैं 11 बजे सोता हूँ,
यानी ये मेरी आदत है सो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का फिक्रा होगा और इसमें हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे आई स्लीप एंड आई स्लेप्ट एट 11 PM मैं 11 बजे सोया था पास्ट सिंपल टेंस